भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार बुधवार को पीरपैंती पहुंचे, जहां एसएसपी ने इसीपुर थाना और बाखरपुर ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने पीरपैंती अंतर्गत 3 थाना का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया, जबकि इससे पूर्व थाना में पुलिस के जवानों द्वारा एसएसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं एसएसपी ने पीरपैंती, इसीपुर एवं बाखरपुर थाना में पूर्व से लंबित कांडों की समीक्षा की, साथ ही थाना प्रभारी एवं अंचल निरीक्षक को लंबित कांडों के जल्द निष्पादन और इलाके में अपराध नियंत्रण को लेकर स्पेशल टास्क भी दिया। निरीक्षण के दौरान जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह और इंस्पेक्टर लाल बहादुर समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान भी मौजूद थे। मेरे द्वारा जितने भी कांड लंबित हैं उसकी समीक्षा हुई और कुछ अपराधी भी हैं जिनको पकड़ना आवश्यक है, तो उसको पकड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई और यहाँ के जो स्थानीय जनता है और कुछ जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई, जिससे उनकी भी जो कुछ समस्याएं थी उसको जाना गया और उसके निदान के प्रयास किए गए। तिलकामांझी जी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी संस्कृत विभाग के एचओडी पर उसी विभाग की एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर मामले की निष्पक्ष जांच पूरी कर रिपोर्ट कुलपति को सौंपने का निर्देश दिया है। जांच कमेटी के संयोजक टीएमबीयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र को बनाया गया है, जिसमें प्रॉक्टर एसडी झा और एमबीए विभाग की निदेशक डॉक्टर निर्मला को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसको लेकर कमेटी के संयोजक प्रोफेसर विजेंद्र ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई और छात्रा द्वारा संस्कृत विभाग के एचओडी पर लगाए गए आरोप की जांच की जा रही है। बता दें कि संस्कृत विभाग की एक छात्रा ने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सिकंदर चौधरी पर इंटरनल एग्जाम में अच्छे अंक देने के नाम पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर छात्रा और एचओडी के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में छात्रा से अपना काम करने के नाम पर विभागाध्यक्ष द्वारा घर पर अकेले आने की बात कही जा रही है, जबकि छात्रा द्वारा जब पति के साथ आने की बात एचओडी को कही गई तो उन्होंने फिर से छात्रा को अकेले आने पर ही काम होने और खुद से रिसीव कर लेने की बात छात्रा से। वहीं विभाग की कई छात्रा के साथ छात्रों ने भी लिखित आवेदन देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से की है। एचओडी सर हमारे घर पर भी जाकर हम पर दबाव बनाते हैं, क्या आप अपना केस जो किए हैं बीसी के द्वारा बीसी के पास अपना केस को वापस ले लें, आपको 4 सेमेस्टर में मार्क्स अच्छा दिया जाएगा। जो भी हम कमेटी बैठाए गए हैं बीसी सर की तरफ से, उनसे निवेदन है कि हम लोगों का जो भी फैसला है जल्दी से सुनाया जाए, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए। आप बताइए कि जिसके घर पे एक भी बाइक नहीं पहुंचते हैं, कभी ना कभी जाते हैं, जो भी रिश्तेदार वाले बाइक लेकर आते हैं और उसके घर पे काय का 2 स्कॉर्पियो एक मारुति लेके चले जाते हैं, एचओडी सर और उसके जो भी साथ में टीचर लोग हैं सब पहुँच जाते हैं। आप बताइए गाँव समाज वाले क्या कहेंगे हम लोग के ऊपर? हम लोग आप बताइए, अब ये लड़की घर पे पहुँच गए दबाव बनाने के लिए कि अगर बीसी के पास तुम कंप्लेन किए हो तो उसको वापस ले लो, तुमको हम पास करवा देंगे, इसलिए बताइए क्या करें अब हम लोग कमेटी से। हम मेरा सबका कॉपी निकले और हम कमेटी से कमेटी वाले से अनुरोध करते हैं कि आप सबका कॉपी निकलवाइए और सबका फिर से जांच करवाइए। इसमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंटरनल का एग्जाम भी नहीं दिए हैं और वो जो असाइनमेंट लिखने के जमा करना पड़ता है वो भी जमा नहीं किया, भैया भी नहीं दिया, फिर भी उसको पास करवाया गया। हम लोग को भी उसके लड़का है, ना कॉपी जमा किए हैं, ना सेमेस्टर दिए, असाइनमेंट जमा किया, इंटरनल एग्जाम दिए हैं, फिर भी उसको पास किया गया 6 नंबर से। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर पंचायत कुलगामा गांव में दबंगों द्वारा एक घर में रह रहे किरायेदार से मकान खाली कराने एवं मकान पर अवैध कब्जा को लेकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में मकान मालिक रीता कुमारी के अलावा उसके परिजन दीपक राय, मानस कुमार और राम प्रसाद राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं,
जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों के द्वारा दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना को लेकर घायल महिला रीता कुमारी ने बताया कि गांव के सरपंच विमल किशोर यादव, मृत्युंजय यादव, छोटू यादव, रोहित सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा उनके मकान में रह रहे किरायेदार को घर खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जबकि मकान पर अवैध कब्जा करने को लेकर इन सभी ने लाठी डंडे के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही रीता कुमारी ने बताया कि इस घटना में वह खुद भी घायल हो गई, जबकि उसका भाई दीपक राय, पिता राम प्रसाद और भतीजा मानस कुमार को भी दबंगों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मेरा वहाँ दुकान खुला है कॉस्मेटिक का, 2 साल हो गया, एक लेडीज चला रही है। सरपंच जी का क्या चीज का मतलब, उनके घर के मैटर में लड़ाई हुआ तो सरपंच जी को बुलाया गया। वो बुला के क्या किया है कि मतलब हमारे मतलब उसके दुकान में चला गया अंदर और अंदर उसको खाली करने के लिए बोला। अगर उसको खाली कराना था तो हमारे घर आता, कहता आप मकान मालकिन हैं, मकान मालिक हैं, अपने किरायेदार को हटा लीजिए या कुछ मत बोलिएगा। कुछ नहीं बोला, वहाँ खूब झगड़ा किया, मेरे पापा को बुलाया, डायरेक्ट कहता है क्या कि खाली करवाइए नहीं तो हम कब्जा कर देंगे, कर लेंगे यहाँ पर। कौन? सरपंच जी। अच्छा, क्या नाम है सरपंच का? विमल यादव। अच्छा अच्छा, और वो बोले खाली करवाइए, तो हम मेरे पापा के साथ अनर्गल बात करने लगा, तो मैंने कहा भागलपुर के सुल्तानगंज कृष्णानंद स्टेडियम में मुंबई से आए हुए बंजारन की टीम से एक बच्चा लापता होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर बच्चे की मां बंजारन लिलिया देवी ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं बंजारन लिलिया देवी ने बताया कि सोमवार 11 दिसंबर की सुबह 7 बजे कृष्णानंद स्टेडियम स्थित उसके बसेरा स्थल से उसका पुत्र विराज उर्फ राजा खाना बनाने के लिए लकड़ी लाने निकला था, लेकिन इसके बाद अभी तक उसका पुत्र वापस बसेरा स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिससे वो सभी काफ़ी चिंतित हैं और परेशान हैं। इधर सुल्तानगंज थाना पुलिस लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद बच्चे की बरामदगी के लिए उसकी तलाश में जुट गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक बच्चे के लापता होने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। साथ ही पुलिस और परिवार द्वारा बंजारा समुदाय के लापता बच्चे की कोई जानकारी मिलने पर मोबाइल नंबर 7433855162 एवं 8097128896 पर सूचना देने की अपील लोगों से की गई है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों को परीक्षा छोड़कर आंदोलन करना भारी पड़ गया है। दरअसल बीते 4 दिसंबर को भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 118 छात्रों को प्रोफेशनल एग्जाम के तहत फिजियोलॉजी विषय की परीक्षा देनी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपने साथी MBBS छात्र की मौत का हवाला देकर परीक्षा नहीं दिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत के बाद OPD सेवा को ठप कर दिया गया था, लेकिन अब इन सभी छात्रों के भविष्य को लेकर कई तरह की आशंकाएं
उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि कॉलेज और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना पर ही परीक्षा नहीं देने वाले इन 118 MBBS छात्र छात्राओं का भविष्य निर्भर है। इधर परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले सभी छात्र छात्रा दोबारा से इस परीक्षा को आयोजित करने की मांग प्रबंधन से कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा आयोजित कराने से संबंधित पत्र भागलपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से मांगा है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक भगत ने कहा कि अगर NMC के तहत दोबारा परीक्षा लेने का प्रावधान होगा तभी वह परीक्षा आयोजित करा पाएंगे, जिसको लेकर परीक्षा नहीं होने पर छात्रों को बैक लगने की चिंता सताने लगी है। प्राचार्य का कहना है कि इसके बावजूद भी अगर MBBS के छात्र छात्रा अगर उन्हें इससे संबंधित आवेदन देंगे तो वह उस आवेदन को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना जरूर भेजेंगे। भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल प्रांगण में KG कक्षा की ओर से वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें KG कक्षा की छात्राओं ने हर्ट्स ऑफ हार्मनी सेलिब्रेटिंग पीस एंड कंपैशन की थीम पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भागलपुर DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार, स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सेंड्रा, मैनेजर सिस्टर मेरेशियन और उप प्राचार्य सिस्टर आशा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत नृत्य से की गई। इस दौरान लाइफ साइकिलिंग ऑफ बटरफ्लाई और यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के माध्यम से एकता में ही शक्ति होने की बात बताई गई, जबकि ग्रेटिट्यूड ऑफ ए लाइफ टाइम लव के माध्यम से माता पिता के हमारा सब कुछ होने की बात कही गई। मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि कार्यक्रम में माता पिता के निर्णय और मार्गदर्शन को सर्वोपरि बताया गया, जबकि इस दौरान छोटे बच्चों ने गॉड जीजस के जन्म की कहानी पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कृषा, खुशी, परी, श्रेयांशी, अनाया और हर्षिता समेत कई छात्राओं ने अपने प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच संचालन तनिष्का, तनिषी, शिमरा और श्रेया ने किया, जबकि बैक स्टेज निरीक्षण मिस निक्की ने और धन्यवाद ज्ञापन मिस दीपा ने किया। इधर कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के स्वागत संबोधन में प्राचार्य सिस्टर सेंड्रा ने स्कूल से जुड़ी कई बातों की चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि DSP डॉक्टर गौरव कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही मदर वेरेनिका के जीवन सफर, कार्मेल संगठन के स्थापना के बारे में बताते हुए सिस्टर सेंड्रा ने बच्चों के अभिभावकों को भी अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बच्चों की गलतियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे सुधार की बजाय आगे भी गलती करते रहेंगे, जो उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बड़ी बाधा बन जाएगी। मौके पर विद्यालय परिवार के शिक्षक, शिक्षिका, स्कूल बैंड की टीम के सदस्य, बच्चों के अभिभावक और नॉन टीचिंग स्टाफ समेत छात्राएं और स्कूल के कर्मी मौजूद रहे। देश के विभिन्न प्रदेशों में घुमक्कड़ जीवन जीने वाले कबीलाई समाज के लोग प्रत्येक वर्ष छठ पर्व मनाने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम की उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहुंचते हैं। ये सभी सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में अपना तंबू लगाकर होली पर्व तक के लिए डेरा और बसेरा डालते हैं। वहीं इस दौरान समाज के युवक युवतियों की धूमधाम से शादी भी संपन्न कराई जाती है। इसी कड़ी में मंगलवार की रात एक साथ 21 जोड़े युवक युवतियों की शादी संपन्न कराई गई, जिसमें देर शाम 10 DJ की धुन पर शहर में 8 दूल्हा रथ और 25 फोर व्हीकल पर सवार दूल्हे की बारात धूमधाम से निकाली गई। वहीं इतने दूल्हे के साथ धूमधाम से निकाली गई बारात को देखने के लिए सड़क किनारे और आसपास में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर बंजारा समाज की ओर से नगर भ्रमण करने के लिए निकाली गई आकर्षक बारात से पूरा अजगैबीनाथ धाम उत्सव और उमंग के माहौल से गुलजार हो गया।